स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि द बेसिक क्वेश्चन जो आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी आ रहा है तो आई वॉन्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन फ्रंट कि हम ई e कॉमर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं ऐसा क्या रीजन है ऐसा क्या रैशनैल है? है या ऐसी क्या वजह है कि हम ई e कॉमर्स को डिस्कस हम कर रहे हैं तो इसको प्रूफ करने के लिए या इसको जस्टिफाई करने के लिए लेट एस जस्ट सी द नंबर्स कि जो ई e कॉमर्स के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं इन 2017 थाउजेंड सेवनटीन दीज आर एक्चुअली टू पॉइंट वन ट्रिलियन यू एस डी और दिस इज ये अनप्रेसिडेंटेड है कि टू पॉइंट वन ट्रिलियन यूएसडी की ई e कॉमर्स की ट्रांजेक्शन हैं टू थाउजेंड सेवनटीन में दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन बोथ के बिजनेस के टर्म में दूसरा अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हैं ई कॉमर्स e के बिजनेस में आप जंप इन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी आई मीन कोई भी बिजनेस सबसे पहले देखेगा कि जहां जो जो काम वो करने जा रहा है उसकी करंट मार्केट पोजीशन है क्या यानी इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट ड्रिवन बिजनेस कि अगर एक चीज मार्केट में बहुत हॉट है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर विल कम इन यू गाइस विल कम इन टू ओपन योर स्टोर सो दीज आर द स्टेट आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट्स द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इन यूएस अलोन जो दस परसेंट टोटल रिटेल सेल है जो कि ऑफलाइन भी होती है ज्यादातर जो रिटेल सेल है उस टोटल सेल का दस परसेंट ऑनलाइन हो रहा है ट्रांजैक्शन यानी अगर यूं समझे कि यूएसए के अंदर अगर सौ रुपए का बिजनेस हो रहा है रिटेल का फिजिकल शॉप पे उसमें से 10 परसेंट ऑलरेडी ऑनलाइन हो रहा है यानी ऑलरेडी ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है नाउ बिलीव मी दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर क्योंकि यूएस की मार्केट इज द वर्ल्ड लीडिंग मार्केट सो दस परसेंट ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है ई e कॉमर्स की ट्रांजेक्शन के थ्रू नाउ यहां पे मैं एक बात आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि ई e कॉमर्स का जो बिजनेस है या जो ई e कॉमर्स की आप कह लें जो सारी फिलोसफी है इट इज नॉट वेरी ओल्ड ये 10-15 साल पुरानी है या आप यूं कह लें कि 2001 में या 2000 में ये ज्यादा इमर्ज हुई थी मतलब और, मतलब ऑफलाइन जिस तरह सेल परचेज होती है वो तो आई I मीन mean, वो सदियों पुरानी बात है इट्स 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 अ कॉन्सेप्ट ये एक बिल्कुल नई चीज है तो नई चीज का एकदम दस मार्केट कैप्चर कर लेना इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग मूविंग फॉरवर्ड उसके ऑन टॉप ऑफ इट जो मोबाइल यानी वो पेमेंट जो मैं मोबाइल फोन के थ्रू कर सकता हूं वो यारह परसेंट ऑनलाइन शॉपिंग का ऑटोमेटिकली हो चुका हुआ वट डज इट ट्रांसलेट टू सो नाउ जस्ट सी 2012 में जो ऑनलाइन बिजनेस था उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो वन यानी आप समझे हजार मिलियन थी 2013 में 1200 मिलियन यूएसडी हो गई 2014 में इट इज लाइक 1.4 यानी 1400 मिलियन यूएसडी की बात कर रहा हूं मैं और 2015 में इट इज 1700 बिलियन एंड देन इन 2016 इट वाज 1.9 जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ 2017 2.1 ट्रिलियन यूएसडी और जो प्रोजेक्शन है टू 2.8 uh, 2018 की दैट इज 2.3 ट्रिलियन यूएस टी दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्राइगरिंग नंबर बहुत मोटिवेशनल जो है आपको सुनके जरा वो होगा ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि हमें सुनने में ये लगता है या हमें सुन के ये लगता है कि ई कॉमर्स कोई बड़ी हाईफाई चीज है और सिर्फ यूएस से जैसे एडवांस कंट्रीज हैं वहीं पर हो रही है नाउ लेट मी टेल यू Uh, a truth. and let me tell you a picture. The e-commerce, is no more limited to western world only. what does it mean? now look at this graph. usa, ke andar jo last year's sale had, that is, 340 billion. moving forward, uk, mein 99 billion. Hai, i am moving from uh, west to now europe. germany, ke andar, you see it is 73 billion. फ्रांस में 43 बिलियन है इफ आई मूव टू लैटिन अमेरिका ब्राजील में अराउंड 11 बिलियन है नाउ दिस इज व्हाट वी थिंक अभी तक हम यही सोचते हैं कि ये सारी की सारी सेल वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही है नाउ वी आर इन द ईस्ट फार ईस्ट चाइना के अंदर सिक्स बिलियन डॉलर्स की ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन थी 2017 में लुक एट दिस जापान 79 बिलियन नाउ जब हम जापान की बात कर रहे हैं तो आप यह समझिए कि हम लोग फार ईस्ट की बात कर रहे हैं नाउ जस्ट ट्राई टू एज्यूम अब जो दुनिया है वो वेस्ट से मूव होके ईस्ट की तरफ आ रही है यानी ईस्ट पे बिजनेस ज्यादा हो रहा है चाइना इज द लीडिंग मार्केट प्लेयर नाउ दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर फ्यूचर से मुराद ये है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यहां पे लाइक करता है कि जो लोग हैं वो बाउंड्रीज के बियॉन्ड परचेस कर रहे हैं इससे मुराद ये है कि नाउ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लाइज हेयर वॉट डज इट मीन नाउ लुक एट दिस 2017 में 57 परसेंट लोग ऑनलाइन शॉपर्स थे उसमें से जो यूरोप का चंक है आउट ऑफ दिस 57 परसेंट दैट इज 63.4 एशिया का है फिफ्टी एशिया पैसिफिक का अफ्रीका का है फिफ्टी फाइव परसेंट उसके बाद लैटिन अमेरिका का है फिफ्टी फोर परसेंट नॉर्थ अमेरिका का है फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट जो कंपेरिजन मैंने आपको देना है वो ये देना लुक एट द एशिया पैसिफिक नंबर एंड नॉर्थ अमेरिका नंबर एशिया पैसिफिक इज बीटिंग नॉर्थ अमेरिका बाय अराउंड ट्वेल्व परसेंट नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर जो कंट्रीज हम कवर करते हैं दीज आर यूएसए एंड कैनेडा मोस्टली लेकिन हमें यह लगता है कि 57 परसेंट लोगों ने जो सेल परचेज की है वो 63 परसेंट यूरोप में है एंड सो ऑन सो इसका मतलब यह कि मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं जरूरी नहीं है कि मैं पाकिस्तान से ही परचेसिंग करूंगा दैट्स अ की पॉइंट क्या मेरे पास कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है अगर फिजिकल मैं परचेज करने जा रहा हूं तो मैं पाकिस्तान से बाय शॉप मैं कोई चीज परचेज नहीं कर सकता नाउ द ब्यूटी लाई इन द ऑनलाइन शॉपिंग कि मैं पाकिस्तान में बैठे हुए दुनिया भर से ऑर्डर कर सकता हूं जो मुझे पाकिस्तान में रिसीव होगा सो so, इसका मतलब मैंने फिजिकल बाउंड्रीज को एक्चुअली बाईपास कर दिया मतलब अगर मेरे पास किसी कंट्री का वीजा नहीं भी है एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू बाय अ बुक फॉर अग्जाम्पल फ्रॉम समवेयर इन जर्मनी तो आई कैन जस्ट प्लेस माई ऑर्डर ओवर द वेबसाइट द बुक विल कम टू माई होम दिस इज इट आई डोन्ट टू गो देर मुझे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो आई डोंट नीड टू गो टू फॉर एग्जाम्पल अमेरिका यू एस ए जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे मैं यहीं पर बैठा हुआ चीज़ ऑर्डर uh, करूंगा एंड आई विल आई विल रिसीव माई जो प्रोडक्ट है इन पाकिस्तान तो इसका मतलब ये है कि नाओ वाया ऑनलाइन शॉपिंग या वाया ई कॉमर्स द कंपिटिशन इज बूमिंग एक्चुअली बूमिंग से मुराद ये है कि अब कम्पटिवनेस बहुत ज़्यादा आ रही है बहुत ज़्यादा वेंडर्स का डाटा मौजूद है तो कम्पटिवनेस की वजह से एक तो क्वालिटी इंक्रीज़ होती है ये एक बिजनेस का रूल है और प्राइस डाउन होती है हमेशा जो प्रोडक्ट की कीमत है अगर एक ही प्रोडक्ट छः वेंडर आपको ऑफर करेंगे तो मैं तो वो चीज़ खरीदूंगा जो कि ऑब्वियसली जिसकी कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट कम कैसे होगी जब वेंडर्स आपस में कंपीट करेंगे तो जैसे ही वेंडर आपस में कंपीट करेंगे तो दे विल ट्राई टू सेल मोर एट द लोअर कॉस्ट यानी उनके मार्जिन तो कम होंगे लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे है, वो वॉल्यूम ऑफ द सेल पे वो ज्यादा बैंक कर रहे होते हैं और जो कस्टमर होता है वो उसको फायदा ये हो रहा होता है कि उसको चीज सस्ती मिल रही होती है तो एक्चुअली मैंने फिजिकल बाउंड्रीज वाया ई कॉमर्स असेंशियली खत्म कर दी है